साथियों, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का आज का हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है पहला, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एक टेलीकॉम कंपनी ने अपना खुद का न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन एक लॉन्च किया है, तो रिलायंस जियो कंपनी ने, किसने, रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में अपना न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन जियो न्यूज़, उसका नाम है जियो न्यूज़, लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपभोक्ताओं को लिए जो है उपलब्ध रहेगा। जी साथियों, जियो न्यूज करके एक ऐप इन्होंने इंस्टॉल किया है जिसमें ये न्यूज पद के बारे में अपडेट सारी दी जाएगी। तो ये पहली मोबाइल कंपनी है जिसने अपना खुद का एक न्यूज ऐप लॉन्च किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल में रेल वायर वाईफाई सेवा करी गई है। 1600 स्टेशनों पर, कितने पर, 1600 स्टेशनों पर शुरू की गई है, याद रखिएगा। जिसमें से जो 1600 सबसे अंतिम का जो स्टेशन है वो है मुंबई शहर का सांता क्रूज रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ये जो सबसे अंतिम वाला है मुंबई शहर का है सांता क्रूज रेलवे स्टेशन, ठीक है। अभी हाल ही में 1600 रेलवे स्टेशनों पर रेल ट्रेन ने रेल वायर वाईफाई शुरू किया है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट है वो कौन सा है, सांता क्रूज रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक कौन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं दुनिया के। फेसबुक द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इस सर्वे में नरेंद्र मोदी को 4,35,00,000, याद रखिएगा, 4,35,00,000 लोगों ने उनका निजी फेसबुक अकाउंट पसंद किया। कितने लोगों ने, 4,35,00,000 लोगों ने। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, आईपीएल की किस टीम के कप्तान ने आईपीएल के इतिहास में कप्तानी करते हुए 100 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल की किस टीम 100 जीत दर्ज कर ली है, तो कौन से टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, कौन सी टीम, चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के इतिहास में कप्तानी करते हुए 100 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये लिखा, ये 166 मैचों में, ये गलत, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है काफी आज, तो जरा ध्यान रखिएगा, 166 मैच खेले हैं, 166 मैचों में उन्होंने 100 मैच जीत के दर्ज किया है रिकॉर्ड। सबसे पहली टीम है आईपीएल में जिसने 100 मैच जीत के लिए दर्ज किए हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से, याद रखिए, फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण कर उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अमेरिका ने, किस देश ने, अमेरिका ने, याद रखिएगा, अमेरिका ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी, किसकी है कंपनी, है अमेरिका की, फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से पहला वाणिज्य प्रक्षेपण आकार सऊदी अरब के उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। गलत टाइपिंग है यहाँ पर, प्रक्षेपण है सऊदी अरब के उपग्रह को, कहाँ का उपग्रह किया था, सऊदी अरब के उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। रॉकेट का थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट 51,00,000 पाउंड था, जो कि दर्जनों जेट विमानों के मुकाबले में 51,00,000 पाउंड इसके लिए थ्रस्ट लगा हुआ है, ठीक है। आज का छठा प्रश्न है, हांगकांग स्टॉक मार्केट, याद रखिए, हांगकांग स्टॉक मार्केट किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक नहीं है स्टॉक बाजार बन गया है, कौन सा बन गया है, जापान, कौन बन गया है, जापान को छोड़कर पीछे ये देश हांगकांग स्टॉक
स्टॉक मार्केट जो है तीसरे नंबर पर आ गया है जापान को पीछे छोड़कर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का सातवां प्रश्न है, अब्देल कादर बेन सलाह को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है, किसे, अब्देल कादर बेन सलाह को, कहाँ का, अल्जीरिया का, अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, अल्जीरिया का, अब्देल कादर बेन सलाह को हाल ही में अल्जीरिया देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, वह पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बौतेफ्लिका ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनके इस्तीफा देने के कारण इनको अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, अल्जीरिया का, अब्देल कादर बेन सलाह को, याद रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न है, यूएई के बाद किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है, तो साथियों किया है रूस ने, किसने किया है, रूस ने, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भी ये फैसला किया था उन्हें सम्मानित करने के लिए, और अब उसके बाद रूस के दूतावास ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के बीच रणनीति साझेदारी और अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया गया है, याद रखिएगा, रूस के द्वारा। नौवां प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर है, 130वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, 130वें स्थान पर है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका शोध संस्थान द हेरिटेज फाउंडेशन, याद रखिए, अमेरिका शोध संस्थान द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा हाल ही में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 जारी किया गया, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के प्रदर्शन को दर्शाया गया, इस सूची में भारत 130वें स्थान पर रहा, कौन से स्थान पर रहा, 130वें स्थान पर। दसवां प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया, भानु प्रताप शर्मा को, किसे नियुक्त किया गया, भानु प्रताप शर्मा को, हाल ही में केंद्र सरकार ने भानु प्रताप शर्मा को सीएजी प्रमुख विनोद राय के स्थान पर, किसके स्थान पर, सीएजी प्रमुख विनोद राय के स्थान पर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इनके अतिरिक्त सरकार की ओर से तीन अन्य सदस्य भी, वेदिका भंडारकर, पी प्रदीप कुमार, और यहाँ पर है, ये गलत है, और है प्रदीप पीसा को भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनके सिवा तीन और हैं, पी प्रदीप कुमार, प्रदीप पीसा और वेदिका भंडारकर, ठीक है, भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।